सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आईफोन SE 3 जो कि बहुत ही जल्द जो है लॉन्च होने जा रहा है, तो ये जो स्मार्टफोन की काफी लीक्स जो है कंफर्म हो चुकी है कि कैसा ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से। और यहाँ पर जो ये स्मार्टफोन है वो आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा SE 2 जैसा ही। तो अगर आपने प्लान किया था इसी स्मार्टफोन को बाय करने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है उसकी अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो अगर हम सबसे पहले अगर देखें इस स्मार्टफोन का डिजाइन तो इसका बिल्कुल आपको सेम देखने को मिल सकता है। 90% चांसेस है कि इसका जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट आपको SE 2 जैसा ही देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको टच आईडी देखने को मिलेगी, वैसा ही डिजाइन और वैसी ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और बैक साइड में आपको सिंगल कैमरा के साथ सेंटर में एप्पल लोगो देखने को मिलेगा। तो डिजाइन काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसमें जो इसका टच आईडी है वहां पर आपको कुछ जो जेस्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एक काफी डिफरेंट सी चीज हमें देखने को मिल सकती है। बट इसका जो डिजाइन है वो आपको बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिलेगा। डिजाइन से रिलेटेड अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, शायद इस बार आपको डिजाइन एकदम सेम देखने को मिलेगा जैसे कि आपको SE 2 में देखने को मिलता है। और वही डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, रेटिना पैनल ही हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी रिगार्डिंग, बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। बट ये 90% कंफर्म है, बट 10% अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद इसमें आपको जो है नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाए। तो वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको A15 चिप देखने को मिलेगी जो कि 100% कंफर्म है, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट चिपसेट ही देखने को मिलेगी जो कि आपको आईफोन 13 सीरीज में देखने को मिलती है, वही चिपसेट आपको सेम देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको बिल्कुल ही आईफोन 13 जैसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा, और ये जो स्मार्टफोन आपको एक 5G देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के रैम वेरियंट, तो यहाँ पर आपको 4GB रैम वेरियंट देखने को मिलेगी। तो गेमिंग इसकी काफी अच्छी और बेहतरीन हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 4K एट 30fps की वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। तो कैमरा वाइज हमें काफी एक बेहतरीन स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकता है। इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको आईफोन 13 के देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें इसमें सिनेमैटिक मोड भी देखने को मिलेगा जो कि आपको एक 13 जैसा हमें देखने को मिलेगा, और इसमें आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं काफी अच्छे से। तो ये जो पॉइंट इसका कैमरा काफी बेहतरीन हो जाता है, बट इसमें अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी हमें देखने को मिले तो एक काफी अच्छा पॉइंट होगा। बट इसमें आपको सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आपको सिनेमैटिक मोड और एक पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा, वो भी हमें 12 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा, और इसकी भी आपको वीडियो रेजोल्यूशन 4K एट 60fps देखने को मिलेगी। सो यहां पर कैमरा वाइज आपको काफी बेहतरीन स्मार्टफोन देखने को मिलेगा इन बजट के रिगार्डिंग। तो यहां पर कैमरा क्वालिटी इस दोनों ही कैमरे की आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं पर देखें इस स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में, तो वो अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद इसमें आपको 3000mAh की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाए, और उसी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो ये देखो स्पेसिफिकेशन जो कि हमें इसी स्मार्टफोन आईफोन SE 3 की देखने को मिल जाती है। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन आपको 15,000 का हमें देखने को मिल सकता है। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें, तो ये जो डिवाइस आपको मार्च के मंथ या फिर अप्रैल के मंथ में डेफिनेटली एप्पल की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो क्या इस डिवाइस के लिए आपको वेट करना चाहिए? तो अगर आपने प्लान किया था SE को बाय करने का, तो आप तब तो वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके जो है सेकंड हैंड डिवाइसेस या फिर आईफोन 12 की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस ड्रॉप काफी कम देखने को मिल जाती है। वो जो स्मार्टफोन आपको 55,000 का हमें देखने को मिल जाता है एप्पल के स्टोर में, अगर आप ऑफलाइन मार्केट में बाय करते हैं तो आपको थोड़ा सा कम भी देखने को मिल सकता है। तो मेरी माने तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो भी स्मार्टफोन एक काफी बेहतरीन हमें एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। बट अगर आपने प्लान किया है SE 3 बाय करने का, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।